दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं YouTube चैनल कंपटीशन बॉस। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं संधियां। संधियों मैंने अभी तक आपको स्वर संधि के बारे में बताया और व्यंजन की भी कुछ संधियां बताई। दोस्तों मैं आपको इससे आगे की संधियों के बारे में ले चलता हूं और साथ ही एक बात और बता दूं कि इस चैनल पर आपको करंट इश्यूज और सामान्य ज्ञान के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, जो कि कंपटीशन के हिसाब से, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही उपयोगी है। आप केवल अपना अभ्यास बनाए रखें और आइए अब हम चलते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं चर्त संधि। ये व्यंजन संधि का ही एक भेद है। चर्त संधि का सूत्र है खरी चे, ठीक है ना। ये क्या कहता है कि झल वर्णों के स्थान पर प्रथम वर्ण होगा। कब होगा? कंडीशन क्या है कि उसके परे खर होने चाहिए, ठीक है। तो झल वर्ण कौन से, ध्यान रखो, एक दो तीन चार, ये तो होने चाहिए शुरू में। इन सबके स्थान पर क्या हो जाएगा, उसी वर्ण का प्रथम वर्ण हो जाएगा। कब होगा? जब खर परे रहे। तो ये ध्यान रखो कंपटीशन के हिसाब से कि चर्त संधि में कौन सा वर्ण होता है, पहला वर्ण होता है, ठीक है ना। ये मोटी पहचान है, ध्यान रखने की बात है। ये याद रहेगा तो संधि अपने आप सही होगी। तो खरीचे सूत्र कहता है कि जल वर्णों के स्थान पर प्रथम वर्ण होगा यदि खर परे रहेगा। अच्छा अब ये कैसे रहेगा, अब देखो मैं आपको उदाहरण लेके बताता हूं। जैसे फिर उदाहरण लेंगे एक सत्कार है। जैसे उदाहरण लेते हैं सत प्लस कार, सत्कार करते हैं ना हम किसी का, तो ये उदाहरण है सत प्लस कार है, ठीक है। अब देखो ये कहता है कि झल वर्णों के स्थान पर, यानी कि इधर पहला दूसरा तीसरा चौथा में से कोई वर्ण होना चाहिए, ठीक है। ये पहला वर्ण आ गया, ठीक है ना। इसके स्थान पर कौन सा वर्ण होना चाहिए, प्रथम होगा। लेकिन कब होगा, जब एक दो या शह से पीछे हो। तो देखो ये खर है, ये पहला वर्ण है ना, कै वर्ण का पहला वर्ण है कै, तो इसके स्थान प्रथम होगा। तो सत्कार के स्थान पर ये तय ही रहेगा, तो इसलिए रूप बनेगा सत्कार है, ठीक है। ये इसका सत्कार को सत्कार बनाने का कारण ये है और इस तरह हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका खरीच है, यानी कि प्रथम वर्ण हो जाएगा, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। जैसा है वैसा का वैसा ही होगा। एक उदाहरण और देख लो आप, मैं आपको उदाहरण और दिखा देता हूं, ठीक है। फिर अपन याद आपको ही करना है। दूसरा हम उदाहरण और लेते हैं उत्पन्न है। ये देखिए उद प्लस पन्न है, ठीक है, उद प्लस पन्न है। अब देखिए तय थे दे, ये तय वर्ग का कौन सा अक्षर है, तीसरा है ना। तो झल वर्णों में क्या कहता है कि सब एक दो तीन चार में से कोई एक वर्ण होना चाहिए, तो ये तीसरा वर्ण आ गया। अच्छा फिर ये कह रहा है प्रथम वर्ण हो जाएगा, किसको, इसी को प्रथम वर्ण होगा ना। तो अब प्रथम वर्ण कब होगा, ये भी शर्त देखनी पड़ेगी कि खर पर होना चाहिए, यानी कि पहला दूसरा वर्ण हो या फिर शह में से कोई एक वर्ण हो। तो ये तय वर्ग का पय जो है पहला वर्ण है, तो ये शर्तें पूरी कर रहा है। तो ये सब शर्तें दोनों पूरी हो रही है, तो चेंज क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ण हो जाएगा, किसको हो जाएगा, झल वर्णों को। तो झल वर्ण दे है, तो दे को क्या हो जाएगा, ये तय आधा है तो ये भी तय भी आधा ही रहेगा। उत्पन्न है, रूप निष्पन्न होता है। तो ये आपका खरीचे से चर्त संधि पूर्ण हुई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं अनुनासिक संधि। देखो बहुत महत्वपूर्ण संधि है और सीधा सीधा इसमें क्या है कि जश्व संधि से अपन इसको जोड़ेंगे। जश्व संधि में क्या हो रहा था, तीसरा वर्ण हो रहा था। चर्त संधि में क्या हो रहा था, चर्त संधि में पहला वर्ण हो रहा था। अब अनुनासिक संधि आती है। अनुनासिक संधि कहती है, इसका सूत्र है यरो अनुनासी के अनुनासी को हुआ, ठीक है। यदि यर परे, यर पदार्थ जो यर है, यर उसके क्या होगा कि उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा और अनुनासिक जब उसके परे होगा तब ये होगा। तो अनुनासिक वर्ण तो पहले ही पांचवा वर्ण होता है, किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण अनुनासिक होता है। कह 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 गे, इसमें गे है। चे 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 चे, ये इसमें ये है। ते ते दे दे, ने इसमें ने है। इसी प्रकार जो पांचवा वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, वो अनुनासिक वर्ण होता है। तो यही अपना यहां होना है, ठीक है। ये होने पर ये होना है, दोनों सेम ही हो गए ना। अब लेकिन होगा आपका, वो कह रहा है कि पदार्थ में यर होना चाहिए। यर क्या होता है, एक दो तीन चार, इन चारों में से कोई ना कोई एक वर्ण होगा, तभी ये होगा। देखो अनुनासिक संधि का सबसे बड़ी बात ये विकल्प से होती है। आप इसको करो तो ठीक है, नहीं तो जशत में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। कैसे होगी, जैसे बाप, उदाहरण देखो आप महिमा, ठीक है ना। संधि क्या कहती है कि पदार्थ यर हो, यानी एक दो तीन चार में से कोई एक वर्ण हो, तो क्या पहला वर्ण है, ठीक है ना।
क्या है? पहला वर्ण है। और अंत में फिर क्या होना चाहिए? अनुनासिक वर्ण होना चाहिए, पांच वर्ण होना चाहिए, तो पे में ये इसका अनुनासिक वर्ण है, तो ये भी पांचवा वर्ण हो जाएगा। यहां पांचवा है तो यहां भी पांचवा होगा, लेकिन किसका होगा? इस वर्ग का होगा। यानी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यहां जो भी आ जाए देख लो किस वर्ग में आ रहा है, वो उसी वर्ग का पांचवा अक्षर होगा। तो कह के स्थान पर ये हो जाएगा गे, तो ये रूप बनेगा वाम महिमा। ठीक है, वाम महिमा ये रूप बनेगा वाम महिमा। अगर आप इसको वाम महिमा नहीं बनाओगे क्योंकि ये संधि विकल्प से हो रही है, तो क्या होगा? इसके स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा, तो वो बन जाएगा तीसरा वर्ण होता है कै वर्ग का, कै कै गे, तो वाम महिमा। ये वाम महिमा ये दोनों रूप बनते हैं, इससे ये जशत्व है, ये ध्यान रखना है, और ये आपके अनुनासिक संधि है ही, है ना। तो इस प्रकार अनुनासिक संधि जो है विकल्प से होती है, ये कंडीशन लगेगी तो चाहे तो आप अनुनासिक बने उसकी, चाहे जशत्व बने। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं इसका, वाम महिमा के बाद दूसरा उदाहरण हम इसका देख लेते हैं। जैसे वाक मलम, यह और एक उदाहरण देख लेते हैं इसका, त्रिष्टुप मैन, ये देखो आप त्रिष्टुभ हम आगे लेंगे महल, त्रिष्टुभ महल। देखो सूत्र क्या कहता है कि यहां किसी भी वर्ण का पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई वर्ण हो तो भय है, जो पै पै बै भय पै वर्ण का चौथा वर्ण है ये। ठीक है, यही हट जाएगा यहां से। अच्छा, ये कंडीशन हो गई। अब ये कह रहा है अंत में पांचवा वर्ण होना चाहिए, तो ये पै पै बै बै मै पांचवा ही है। अब जिस वर्ग में भय है उसी वर्ग का पांचवा होगा, तो इसमें देखो क्या होगा, भय के स्थान पर पै पै बै बै मै ही तो होगा ना, आगे वो एज इट इज आ जाएगा, त्रिष्टुम महल ये रूप बनेगा, त्रिष्टुम महल। ठीक है ना, रूप वही बनेगा त्रिष्टुम महल। अब इसके आपको मैं पहचान बता देता हूं जो बहुत आपके काम आएगी, कि इसमें क्या होता है कि एक अनुनासिक वर्ण हमेशा आधा होता है, एक अनुनासिक वर्ण इसमें हमेशा आधा मिलेगा और दूसरा पूरा मिलेगा, एक अनुनासिक आधा और दूसरा पूरा। अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगा, ये कंपटीशन अप्रोच है, आपको अब शब्द देखते ही तुरंत समझ में आ जाएगा इसमें कौन सी संधि है, इसमें एक वर्ण हमेशा आधा मिलेगा दूसरा पूरा मिलेगा। देखिए अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, उससे ये बात प्रूफ हो जाएगी कि इसको उदाहरण किस तरह बनेंगे। आप देखो सीधे सीधे एतन मुरारी, एतन मुरारी एक उदाहरण। ठीक है, दूसरा उदाहरण आप देखो तन्नह, तन्नह। तीसरा उदाहरण देखो आप इसका सन्मार्ग, सन्मार्ग। ठीक है, मैंने आपको तीन उदाहरण दिए और ले लो आपको सभी। ठीक है, ये ले लीजिए आप दिग्नाग है, दिग्नाग है। ठीक है, दिग्नाग है, ये उदाहरण आप देखे जाओ दिग्नाग है। अब देखो मैंने क्या कहा था कि इसमें एक अनुनासिक वर्ण आधा मिलेगा दूसरा पूरा मिलेगा, सब में देख लो आप ये शर्त पूरी हो रही है, यानी कि जहां दो अनुनासिक वर्ण मिले और दोनों में से पहले वाला अनुनासिक वर्ण आधा हो तो वहां अनुनासिक संधि होती है, और अनुनासिक संधि ये विकल्प से होती है, ये नहीं होगी तो वहां जशत संधि होगी, जशत संधि में यहां तीसरा वर्ण आएगा, जैसे ये ने है तो ते थे दे, तो एतद मुरारी इसका अगर बनाएंगे तो बनेगा जशत्व, एतद मुरारी बनाएंगे तो बनेगा अनुनासिक, तन ने है तो बनेगा अनुनासिक, और ते थे दे ने धे ने तो ये दे लगाएंगे तो बनेगा तदने, यानी कि तदने है जशत्व। इसी प्रकार अनुनासिक में पांचवा वर्ण है, जो दो होते हैं अनुनासिक में एक साथ दो वर्ण आएंगे, अनुनासिक पहला आधा होगा दूसरा पूरा होगा, वो आपकी अनुनासिक संधि कहलाएगी। ठीक है, समझ में आया सूत्र इसका, यरो अनुनासिक अनुनासिक हो वा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें, और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी किसी उपयोगी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।